तो आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ ऐसी शख्सियत से जो कि एक पंजाबी सिंगर है जिनका हाल ही में गाना आपने 9X सेशन में सुना होगा बिग ब्रदर्स। और आज बात करने वाले हैं उनके दास्तानी स्ट्रगल के बारे में, पूरी जर्नी जानेंगे कैसे वो सिंगिंग को अपने करियर में परस्यू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाने से जो आपका भी आपका खुद का गाया हुआ गाना है जो आपको बहुत फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट, एक बार उससे शुरू करते हैं। मेरा रिसेंट गाना है बिग ब्रदर, आपने सुना होगा। जी, तो उसी की दो लाइन में गाना चाहूंगा। हो मेरे ताना गुड़िया चढ़ाइया सी अंबरा ते वेख वेख वैरी सातो रहिंदे सड़दे भुल जावा फिकरा जमाने दिया सारिया मैं वड्डे वीरे जदों मेरे नाल खड़दे भुल जावा फिकरा जमाने दिया सारिया मैं वड्डे भाई जदों मेरे नाल खड़दे। बहुत बेहतरीन। ये गाना 9X स्टेशन पे भी रिलीज हुआ था। हाँ जी, अभी चल रहा है 9X स्टेशन पे आ रहा है। तो काफी बेहतरीन गाना है, मैंने सुना था ये। और फिर अब शुरुआत करते हैं आपके बचपन से लेकर, कैसे शिक्षा दीक्षा और क्या क्या कैसी चीजें रही। बचपन से थोड़ा शौक था गाने का, मतलब अंदर से था कि हाँ कुछ करना है, सिंगिंग लाइन में आगे जाना है। तो स्कूल टाइम पे भी मैं काफी मतलब परफॉर्मेंस करता था, कॉलेजेस में किया है काफी परफॉर्मेंस, और फिर धीरे धीरे ऐसे सिंगिंग को लेके ऑडिशंस भी दिए हैं काफी। वॉइस ऑफ पंजाब के मैंने ऑडिशन दिए हैं। कौन सी ईयर की बात कर रही हूँ? ये 2016 में मैंने वॉइस ऑफ पंजाब सीजन 7 का ऑडिशन दिया था। तो फेलियर मिला वहाँ पे, मगर नाराज नहीं हुए, आगे सोचा कुछ और करना है, सीखा। धीरे धीरे अभी स्ट्रगल ही चल रही है, तो कर ही रहे हैं अभी, अभी लगे हुए हैं। तो कैसे जहन में आया कि सिंगर बनना है और कैसे कैसे इस लाइन में रुकूं आपका? जहन में क्या, जैसे हम यार दोस्त बैठते थे तो गुनगुनाना होता था ऐसे ही, तो सारे अप्रिशिएट करते थे, आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाते हो। और एक दिन ऐसे सडनली मेरे फ्रेंड है, हम लोग किसी से मिलने गए जी, तो उनको जब गाने सुनाए उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने फिर हमें भी आगे प्रमोट किया, बोला कि तुम आगे कुछ करो। तो फिर ऐसे ही मतलब धीरे धीरे लाइन बाय लाइन जुड़ते रहे, एक दूसरे से मिलते रहे, तो कारवां बनता गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने कौन से स्कूल में पढ़ाई करी? मैं जसपुर से मेरी स्टडी हुई है, BSc इंटर कॉलेज से जी, काशीपुर से आगे पढ़ता है जसपुर, वहाँ से मैंने। तो वहाँ से आपने जब पढ़ाई करी, उसके बाद से मतलब कौन सी ईयर में लगभग रहा होगा कि ऐसा मन करा कि सिंगर बनना है और कैसे कैसे? एक दिन क्या हुआ, मेरा फ्रेंड था परमजीत जी, पम्मा भाई है हमारे, उनके साथ हम ऐसे ही गए किसी से मिलने। तो ऐसी बातें जीते हुई गाने को लेकर, फिर हम दिल्ली भी गए रिकॉर्डिंग कराने। तो मेरा जब सो ब्यूटीफुल वाला सॉन्ग आया था मेरा, हम दिल्ली गए, ऐसे ही मिले उनसे, जाके स्टूडियोज गए, काफी स्टूडियोज घूमे दिल्ली में हमने। ठीक है, तो ये 2-3 साल पुरानी बात है। तो काफी मतलब फिर हमें जब देखा, आगे फेस किया कि कैसे बड़े शहरों में स्टूडियोज में कैसे क्या फेस करना पड़ता है, तो बहुत सारी निराशाएं मिली वहां जाके। ठीक है, फिर मतलब लाइक लग रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बजट बहुत ज्यादा होते थे स्टूडियोज वालों के। बता ही दीजिए क्या 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 चीजें फेस करनी होती है। फेस क्या, देखिए अगर नया बंदा है, कोई भी स्ट्रगलर है, पहले बात है उसको बहुत ज्यादा पैसा दिखाते हैं लोग के, मतलब आप लोग कर ही नहीं पाओगे, इतना ज्यादा बजट बता देंगे। एक ऑडियो सॉन्ग का हमें उस टाइम, आज से 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, एक ऑडियो का बजट तो उन्होंने बताया था 1.5 लाख रुपए में बताया था, खाली ऑडियो का, ऑडियो का खाली बजट। तो हमने वो सुन के फिर हमें लगा कि यार इतना बजट तो अभी हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे। तो वही चीज है, फिर और 2-3 स्टूडियो में गए, वहाँ भी वही सेम चीज, काफी पंजाब स्टूडियोज में हमने कॉन्टेक्ट किया, वहाँ भी 2 लाख 3 लाख। तो लाइक फिर एक निराशा सी हुई, फिर लगा कि हाँ हमें खुद ही कुछ करना है, खुद ही अपना सेटअप बनाना है। तो फिर एक मेरा फ्रेंड है, उसे मैंने बोला, वो म्यूजिक बनाता है जी, उनसे बात हुई, उन्होंने फिर म्यूजिक बनाया। धीरे धीरे फिर ऐसे करके हम एक फ्रेंड जोन में अपना आगे बढ़ते रहे, अभी काफी अच्छे अच्छे स्टूडियो वाले से भी कॉन्टेक्ट हैं, काफी अच्छे अच्छे बंदों से अब लिंक है। एक हमारे समर भाई हैं जी, जो आपने बिग ब्रदर सॉन्ग में भी देखा होगा, मतलब उनके बिना तो ये सब पॉसिबल नहीं था। उन्होंने इतनी सपोर्ट किया, हमें फाइनेंशियली भी पूरा सपोर्ट किया,
तो वो बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं, तो अभी धीरे धीरे स्ट्रगल जारी है अभी। तो जो सबसे पहला गाना आया आपका जी जी कौन सा था वो गाना, सबसे पहला गाना मेरा सला था। जो आपके खुद आप खुद हाँ भी उसे प्रोड्यूस करते हैं, अपने सॉन्ग्स को खुद ही प्रोड्यूस हाँ करते खुद हैं? भी मैं स्टार्टिंग में मैंने खुद ही प्रोड्यूस किया था अपने सॉन्ग्स को। तो अभी जो है हमारे प्रोड्यूसर हैं समरवीर सिंह, जो अपने लास्ट सॉन्ग में भी देखा होगा बिग ब्रदर में। बिग ब्रदर में। हाँ तो अभी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमें। तो जो सबसे पहला सॉन्ग था जी उसकी दो लाइनें हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरे दिल नाल कीती है सलाह इक नहीं, तेरे ना जे होना कैदा ठोक इक नहीं, तीजा कोई उठ के जे लाऊ रोक नहीं, रोकने दा हक यो तो खोना यार ने। मैं तेरे मापिया तो तेरा हाथ मंग के तेनू हाथां दियां लीकां च लिखोना यार ने। मापिया तो तेरा हाथ मंग के तेनू हत्थां दियां लिखां च लिखोना यार ने। तो अब जो अपकमिंग सिंगर वो सिंगर्स हैं जी जो कि सिंगर बनना चाहते हैं या फिर किसी इस इंडस्ट्री की किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, जी तो उनके लिए क्या स्ट्रगल है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं? जैसे आप खुद सिंगर हैं तो आप खुद से अपने गाने प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही लिखते हैं। मैंने जो ज़्यादातर आपके गाने देखे हैं आप खुद ही लिखते हैं और खुद ही सिंगर हैं आप और खुद ही ज़्यादातर प्रोड्यूस करते हैं, तो कैसे कैसे चीज़ें रहती हैं? तो नए सिंगर्स को यही कहना चाहूँगा मैं कि सबसे पहले तो सीखें जितना ज़्यादा हो सके, क्लासेस लें म्यूज़िक की, ठीक है। उसके बाद ये नहीं है कि अगर आप कोई सॉन्ग निकाल रहे हो या कुछ भी आपका नहीं चल रहा है तो आप निराश हो जा रहे हो, या किसी ऑडिशन में जा रहे हो आपको वहाँ फेलियर मिल रहा है तो आप निराश होकर बैठ जा रहे हो, स्किप कर दे रहे हो उसको। अगर आपको कुछ करना है तो आपको उसमें लगना पड़ेगा, रास्ते खुद ब खुद आपके लिए बन जाते हैं। एक मेरा बार ये निकलना मानना पड़ेगा है काम के लिए। तो आप जिस राह के लिए निकल गए हैं तो फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तो आप आगे एक ना एक दिन सक्सेस हो ही जाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आज ही स्टार बन जाऊं, तो ऐसा आजकल नहीं है, स्ट्रगल बहुत है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, किसी भी चीज़ में देखे आप देख लो। तो मेरा मानना यही है कि आप अगर सिंगर बनना चाहते हो या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो लगन से उसमें लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, तो एक दिन आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये तो सारी चीज़ें ठीक हैं कि रिक्की मथारू भाई हमारे सिंगर हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, बढ़िया जी गाने जी रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन रिक्की मथारू भाई हमारे इसके साथ साथ क्या करते हैं? मैं देखिए अभी सिंगिंग के साथ साथ जॉब भी कर रहा हूँ, जो कि मैं मतलब एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज ए मैनेजर। तो यही है कि साथ में जॉब भी चल रही है, कहीं ना कहीं सिंगिंग के लिए भी टाइम निकालना पड़ रहा है। तो यही स्ट्रगल देखिए, यही स्ट्रगल है। अगर हम बोलते हैं कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा भारी काम कर रहा हूँ वो स्ट्रगल है, तो नहीं, हम जॉब के साथ साथ मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिए यही स्ट्रगल है। पर सबका स्ट्रगल अलग होता है जी सबके जी लाइफ में, बिल्कुल बिल्कुल तो वहां से आपकी चीजें चल रही हैं, तो वहां से मतलब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है और बाकी फिर आप इस लाइन में अपना काम करते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट देखिए कोई इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि मैं अपनी सैलरी से पूरा सॉन्ग्स बना लूँ, इतना बड़ा पैकेज नहीं है मेरा या कुछ। बट ठीक है, सैलरी से मतलब ये अपना चल जाता है। बट जो मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं हमारे समर भाई हो गए, जो हमारे भैया बड़े, उनकी तरफ से हो गया, कुछ और मतलब फ्रेंड्स है, तो ऐसे करके हम लोग कर लेते हैं बाकी। बात करते हैं सपोर्ट की, फैमिली जी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। बिल्कुल फैमिली सपोर्ट हो गया और साथ साथ फ्रेंड्स का सपोर्ट, क्योंकि बिल्कुल वहीं से असली मोटिवेशन आता है। बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली से मेरे देखिए फर्स्ट दिन से ही और आज तक पूरा सपोर्ट है, मेरे बड़े भाई, मम्मी पापा, भाभी जो भी हैं मतलब घर पे, ठीक है, सिस्टर्स, मतलब पूरा सपोर्ट है। कभी उनकी तरफ से मेरे को मतलब लाइक डिमोटिवेशन नहीं मिला कभी भी। जब भी उनसे बात हुई है किसी चीज़ को लेके, किसी सॉन्ग को लेके, उन्होंने मोटिवेट किया है। इवन मेरे जो कज़न है मतलब सतवीर मथारू, जिन्होंने एक गाना लिखा है, उनकी साइड से इतना सपोर्ट रहता है कि हमेशा वो मेरे को पंप करते रहते हैं कि हाँ भी कुछ करना है। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लिखे हैं, अभी एक दो अपकमिंग सॉन्ग्स और आ रहे हैं हमारे, तो वो भी उन्होंने लिखे हैं, कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने लिखे हैं गाने। तो ऐसे करके मतलब सपोर्ट फैमिली से बहुत अच्छी सपोर्ट है, और कभी ऐसा कुछ मतलब माइंड में भी नहीं आया कि फैमिली से कोई दिक्कत है या कुछ है। और फ्रेंड्स की सपोर्ट तो पूछो मत, आप मेरे दो तीन जो मतलब खास क्लोज फ्रेंड हैं पूरी सपोर्ट है, जस्सी चांडा जी अपने, और जतिन शर्मा पेंडोट पिक्चर जिनका हुआ है, तो मतलब इतनी सपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स, पूछिए मत, उनके लिए कोई मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो काफी अच्छा वहां से आपको सपोर्ट मिल जाता है, जी
तो आप उस तरह से मोटिवेट रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है किसी भी इंसान के लिए, नहीं तो फिर वो थक जाता है और एक टाइम बाद ठीक है एग्जॉस्ट हो जाता है, कहता नहीं छोड़ो यार क्या करना है। तो हमारे रिक्की भाई के गाने आए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगातार मोटिवेटेड रखती है इस लाइन में काम करने के लिए? देखिए ऐसा कुछ खास तो है नहीं, बट एक गोल को लेके मैं अपने कि मेरे को ये चीज अचीव करनी है तो मेरे को चलना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम तक चलना पड़ेगा। अगर मैं सोचता हूँ मैं आज दो गाने निकाल के स्टार बन जाऊँ तो ऐसा कहीं नहीं होता, ये चीज आपको भी पता है जी, क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड इतने बहुत ज्यादा हाई नहीं है कि हम इतना पैसा लगा के एकदम हिट स्टार बन जाए, बहुत करोड़ों रुपए लगा दें हम एक बार में। आपको भी ये चीज पता है आजकल क्या, इसीलिए हम लगे हुए हैं, सबका सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, फ्रेंड्स का सपोर्ट है, तो कोई इतना ज्यादा प्रेशराइज हम होते नहीं है, तो धीरे धीरे करके हम सॉन्ग्स निकाल रहे हैं, इसीलिए हम कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं और आगे भी वो ऐसे ही अच्छा काम होता रहेगा और सब पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं सब लोग, बहुत प्यार करते हैं गानों को, तो धीरे धीरे ऐसे करके हम लगे हुए हैं और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो सबसे पहला गाना रहता है या फिर कोई सबसे पहला स्टेप होता है वही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, उसके बाद से तो चीजें धीरे धीरे चलने लग जाती है। जैसे मैंने सबसे पहला इंटरव्यू किया था तो सबसे मुश्किल मेरे लिए वही था कि सबसे पहला इंटरव्यू में शूट कर पाऊँ, तो वैसे ही आपके लिए रहा होगा कि सबसे पहला गाना आप कैसे करेंगे, तो उसकी बात करते हैं कि कैसे आपके पहले गाने की प्लानिंग हुई, कैसे कैसे पूरी तैयारी रही। सबसे पहला गाना जो मेरा सलाह वाला था जी, काफी प्यार दिया लोगों ने उस गाने को, बट उस गाने के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है जी। स्टोरी क्या है, वो गाना ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड था उसने लिखा हुआ था, उसने मेरे को सुनाया, मेरे को अच्छा लगा, तो वो गाना म्यूजिक वाले को भेजा हमने, प्रोड्यूस किया, म्यूजिक प्रोड्यूस किया पूरा, अच्छा गाना, पूरी ऑडियो हमारे पास रेडी होके आ गई थी। तो फिर उसके बाद हमें प्रॉब्लम थोड़ी स्टार्ट हुई क्योंकि वीडियो शूट करना था, फिर वही बजट की प्रॉब्लम असली चीज वहीं से शुरू होती है। तो फिर मैंने एक फ्रेंड से डिस्कस किया, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं थोड़ा, तो उन्होंने फिर जो हमारे समरवीर सिंह हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं भैया हैं जो हमारे, फिर उनसे उन्होंने एक बार मेरे को मिलाया, हमारी मीटिंग हुई, मतलब फर्स्ट टाइम में इनको मिलके इतना अच्छा लगा था कि जैसे एक पॉजिटिव आता है ना, पॉजिटिव वाइब्स आती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मिलके, पॉजिटिव वाइब्स आई, तो हम मिले, उनसे बातचीत हुई, तो काफ़ी मतलब और भी लोग उनके साथ बैठे थे, तो मतलब ऐसे बजट की बात तो नहीं हो पाई फाइनेंशियली, बट अच्छा लगा मिलके, जेन्युइन नेचुरल बातें जो भी है जेन्युइन बातें हुई, और उसके बाद हम लोग आ गए। फिर दो दिन बाद उनका कॉल आया मेरे पास कि शूट के लिए मतलब बोल रहे थे क्या हुआ, तो फिर मैंने उनसे पूरी पूरी बात बताई जो भी था, फिर उन्होंने मेरे को मतलब फाइनेंशियली बोला कि कोई नहीं करो, तो फिर वो गाना हमने किया, उसमें भी समर भाई जो है हमारे उसमें भी हैं गाने में, आप देखना। तो वही है मतलब उनसे मिलना और आज उनके साथ मिलके काम करना, मतलब बहुत अच्छा लगता है, एक प्राउड फील होता है कि इतने उनका नेचर इतना अच्छा है, कभी आप मिलोगे तो आप देखना, उनका बहुत ही मतलब अच्छे इंसान है। तो रिक्की भाई बात करते हैं आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में, कि क्या कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके? एक अभी मेरा इसी मंथ में लास्ट मंथ मतलब गाना आ रहा है, इसी मंथ के लास्ट में, उसका नाम है तेरे मेरे लेख। तो तेरे मेरे लिए आने वाला है बहुत जल्द, क्या क्या है उसमें, कौन कौन से लोग हैं उसमें इन्वॉल्व? उसमें गाना जो कि मैंने लिखा है और एक मेरा फ्रेंड है गुरजंट जी, कुछ उसने लिखा है, दोनों भाई ने मतलब मिलके बैठ के गाना लिखा था, और जिसकी वीडियो बनाई है पेंडोट पिक्चर जो जतिन है मेरा फ्रेंड, और उसमें ऑडियो जो है अभी ऑडियो बनाई है ओबी रॉय हल्द्वानी जी से, भाई फ्रेंड है वो भी, तो मतलब उसमें काफ़ी अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस, शूट किया, मॉडल जो है हमारी किच्छा से जी, मतलब लॉकडाउन के बीच में सब चीज़ आपको पता है करना, सब चीज़ शूट करना बहुत मतलब प्रॉब्लम्स आई थी इसमें भी, बट हमने किया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया शूट हो गया, तो सॉन्ग इस मंथ के लास्ट में आ जाएगा, सॉन्ग इस मंथ के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा लोगों को। बात करते हैं आपकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, क्या है फ्यूचर प्लानिंग आपकी? फ्यूचर प्लानिंग देखो यही है कि इसी फील्ड में आगे जाना है, अभी तो स्ट्रगल चल रही है आपको पता ही है, अभी इतना बड़ा मैं अपने आप को कुछ मानता नहीं हूँ, हूँ भी नहीं अभी, तो आगे है इसी लाइन में आगे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, ऐसी चलती रहेंगी चीजें जी। मुंबई शिफ्ट होने का प्लान है आपका? ऐसा कोई अभी कहीं शिफ्ट होने का प्लान नहीं है, बट हुआ तो इन फ्यूचर हम चंडीगढ़ मोहाली कहीं शिफ्ट हो जाएंगे जी, कुछ प्लान रहा तो, अभी ऐसा कोई प्लान सोचा नहीं। हर कोई कहीं ना कहीं से इंस्पायर होता है और
वहीं से सारी चीजें चल रही होती हैं किसी से इंस्पायर होके। तो रिक्की भाई हमारे कहाँ से इंस्पायर होते हैं? काफी सारे सिंगर हैं जिनको मैं सुनता हूँ, बट अगर एक यंग ब्लड और एक टैलेंटेड बंदे की बात की जाए तो मैं दिलजीत दोसांझ उनको बहुत ज्यादा सुनता हूँ। मतलब और कहीं ना कहीं उन्हीं से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ कि उनकी स्ट्रगल लाइफ और जो कहाँ से लेके आज वो कहाँ तक पहुँचे उनकी मेहनत जी पता ही आप लोगों को जी। तो कहीं ना कहीं मैं उनसे इंस्पायर हूँ। आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा, देखो कोई भी अगर मेरे फ्रेंड्स हैं या कोई भी मेरे जो चाहने वाले हैं उनसे यही बोलूँगा कि अगर आपको इसी लाइन में कुछ करना है, सिंगिंग में कुछ करना है या किसी भी फील्ड में आपको कुछ करना है तो उसमें आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे, मेरा यही बस मैसेज है। तो आज हम रिक्की भाई के साथ, रिक्की भाई कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मिलके। और जो भी मतलब वीडियो देख रहे हैं हमारे जो भाई लोगों का चैनल है फिल्मी चैनल के, उसको सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग भी और नए नए टैलेंट्स को आगे ला रहे हैं, इंटरव्यूज कर रहे हैं उनके, तो सपोर्ट करें लोगों को भी, बस यही मैसेज। तो आज हम रिक्की भाई के साथ, आई होप आपको इंटरव्यू देख के बहुत ज्यादा मजा आया होगा और आपको काफी मोटिवेशन मिला होगा क्योंकि उनकी लाइफ भी कुछ इस तरीके से है कि ये स्ट्रगल के साथ साथ काम भी करते जा रहे हैं और अपने साथ साथ जॉब भी मेंटेन कर रहे हैं और वहाँ से अपनी सिंगिंग लाइन को परस्यू कर रहे हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ना, और उसके साथ साथ अगर आपको रिक्की भाई से कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई होप कि रिक्की भाई जवाब देंगे। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग।